हेलो दोस्तों, पवन स्पोर्ट्स शॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं 100 वाइपर 900 अटैक बैडमिंटन रैकेट रिव्यू की। जी हाँ, डिटेल रिव्यू होगा, परफॉर्मेंस की बात होगी, डेमो की बात होगी और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल वर्डिक्ट की बात होगी। तो दोस्तों, फाइनली गिव अवे आ गया है और यही रैकेट जो है गिव अवे में दिया जाएगा और इसकी सारी डिटेल आपने पार्ट कैसे लेना है और किस तरह से आप इसको जीत सकते हैं उसकी सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी गई है। और गिव अवे का सवाल मैं पूछूंगा वीडियो में कभी भी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, 100 के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ये मेड इन इंडिया कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो शुरू करते हैं बैग से और बैग की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, देखिए अंदर ये एक सॉफ्ट लाइनिंग लगी है। वहीं कुशनिंग की बात करें तो दोस्तों 5 से 6 मिलीमीटर की कुशनिंग है दोनों तरफ। नॉर्मली आप देखते हैं मैं 3 से 4 मिलीमीटर की बात करता हूं, लेकिन 5 से 6 मिलीमीटर की काफ़ी थिक कुशनिंग है, तो रैकेट आपका माइनर डैमेज से बहुत अच्छे से जो है वो बचा रहेगा। वहीं बाहर की क्वालिटी जो है वो डिसेंट है, वाटरप्रूफ है, मतलब ये कि पानी से भी ये रैकेट बचा रहेगा। तो दोस्तों, बारी आ गई है रैकेट की। वैसे तो मैं आपको आगे इमेजेस में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ऑब्जर्व करने को बोलूँगा। अगर आप देखें या अगर आप यहाँ से इस एंगल से अगर आप ग्रिप को देखें और ये डिज़ाइन देखें और ये जगह जो है ये देखें आप, ये तो आपको किसी और रैकेट की जो है रिजेंबलेंस आएगी। तो मुझे ये ग्रिप जो है काफ़ी हद तक लीनिंग की जो G4 सुपरलाइट सीरीज है उसकी तरह की ग्रिप लगती है। लेकिन जी हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है परफॉर्मेंस। तो अगर परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी निकलती है तो डेफिनेटली 1900-2000 रुपये की रैकेट की जगह ये 1400-1500 रैकेट जो है वो डेफिनेटली एक वर्थ है, लेकिन वो हम आगे फाइंड आउट करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं की स्पेसिफिकेशंस में। और यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पे आपको सारी स्पेसिफिकेशन जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है, एक दो को छोड़ के मेजरली जितनी भी हैं सब मेंशन है। तो मतलब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कई प्लेयर्स का ऐसा मानना है कि इसकी जगह यहाँ पे लिखने के बजाय अगर यहाँ पे स्टिकर की तरह उसी चीज़ को लिख दिया जाए तो बेटर है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि रैकेट जो है बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत भीड़ सी हो रखी, क्राउडेड सा हो रखा है। तो जो भी हो, आपको इन दोनों में से कौन सी चीज़ पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। की स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें, देखिए फ्रेम और शाफ्ट दोनों जो है वो कार्बन फाइबर से बने हुए हैं और वहीं शाफ्ट जो है वो स्लिम शाफ्ट 7 मिलीमीटर्स पे, वेपर शाफ्ट 7 मिलीमीटर बोलते हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। वहीं वेट की बात करें तो 79 ग्राम्स है बिना स्ट्रिंग्स और बेसिक ग्रिप के साथ। यहाँ पे आप वेरिएशन देख सकते हैं वेट की, अगर आप देखें इसके बारे में भी आगे मैं बात करूँगा डिटेल में। और अगर हम बात करें इसके बैलेंस की तो बैलेंस है 298 मिलीमीटर्स टूवर्ड्स द हेड, हेड हैवी है ये रैकेट और 5U कैटेगरी का ये रैकेट है। G6 इसकी ग्रिप है, शाफ्ट की फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल टेंशन जो है वो है 32 lbs मैक्सिमम आपको मिलती है और लेंथ जो है वो है 675 मिलीमीटर जो हमने फाइंड आउट किया, लेकिन एक्चुअल में इस रैकेट की अभी लेंथ जो है वो 677 मिलीमीटर्स के आसपास है। तो स्ट्रिंग्स की अगर हम बात करें तो ये मंगवाई गई है 0.66 मिलीमीटर की स्ट्रिंग, 66Z जो है वो इनकी 100 की ही मेक है और 25 lbs जो सबसे आइडियल कंडीशन होती है रैकेट को टेस्ट करने के लिए। और वहीं आप देखें यहाँ पे बारकोड है ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, होलोग्राम है ऑथेंटिसिटी के लिए, वहीं पे ये आपको PBSI का लोगो या 100 को लोगो। और अगर आप यहाँ देखेंगे जो है इस पर भी मुझे लगता है काफ़ी काम किया, क्योंकि इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है और अगर आप इसकी साउंड सुनेंगे तो इसकी साउंड से पता चलता है कि क्वालिटी जो है प्लास्टिक की वो बेहतर है, क्योंकि सॉफ्ट प्लास्टिक जो होता है उसकी जो आवाज़ होती है बहुत ही फ्लैट होती है। मेड इन इंडिया है, प्राइस की बात करें तो 1400-1500 रुपये में आपको मिल जाता है। और अगर आपको रिव्यू के एंड में ये रैकेट अच्छा लगता है कि आपकी गेम के लिए बना हुआ है तो नीचे दिए हुए डिस्काउंटेड लिंक से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट से लेंगे तो मेरा कूपन कोड PAVANSS अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जहाँ से सस्ता लगे, सही लगे, अच्छा लगे वहाँ से आप परचेज कीजिए। तो चलिए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कर्व टू फ्रेम। ये देखिए जो योनिक्स में आइसोमेट्रिक होता है या लीनिंग में डायनेमिक ऑप्टिमम फ्रेम होता है वही है, मतलब आइसोमेट्रिक है और आपको 8% इंक्रीज्ड स्वीट स्पॉट मिलता है।
तो बात करें वेपर शाफ्ट 7 मिलीमीटर पावर स्लिम शाफ्ट की, तो ये आपको प्रोवाइड करती है शॉर्ट पावर एम्पलीफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी स्नैपशॉट लगाएं या पावर शॉट लगाएं तो उसमें आपको पावर जो है वो एनहेंस मिलती है, बेटर मिलती है, मतलब एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको स्विंग स्पीड जो है रैकेट की वो आपको जो है बेहतर मिलती है, मूवमेंट जो है रैकेट की वो फास्ट है। तो ग्रेफाइट लैब की बात करें तो उसका मतलब ये है कि स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कार्बन फाइबर जो जैपनीज मेड है उसका यूज़ किया गया है, उसको एक स्पेशल रेजिन के साथ मिक्स करके इस तरह से शाफ्ट की और फ्रेम की कंस्ट्रक्शन जो है वो की गई है, जिससे कि रैकेट की लाइफ जो है वो बढ़ जाए और ये ज़्यादा देर तक आपके साथ रहे। तो दोस्तों वेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 रैकेट टेस्ट किए हैं और अगर आप देखेंगे तो वेट का जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, कुछ 3 से 4 ग्राम का है। तो ये देखिए, ये मैंने इसलिए किया कि ताकि आप लोगों को जो है आइडिया लग सके कि अक्सर कंपनीज लिखती हैं 3, 4, 5 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो ये रीज़न है। देखिए आप 2 चीज़ें ऐसी हैं। तो चलिए दोस्तों बारी है परफॉर्मेंस की। स्मैश और एक्यूरेसी कैसी है रैकेट? बहुत अच्छी है, पावर अच्छी है, पावर अच्छी है, है। जो मैंने 66 स्ट्रिंग है, बेटर है, है? हैंडलिंग कैसी लगी? सही है बिल्कुल। अच्छा बता स्मैश और पावर कैसी है रैकेट की? पावर अच्छी है। ये बता कि तेरे को लग रहा है एक्यूरेट है, वाइब्रेशन वगैरह है? नहीं नहीं, वाइब्रेशन नहीं है। एक्यूरेसी ठीक लगी तेरे को? कोई कंधे पे लोड वगैरह नहीं, नहीं? तो दोस्तों आपने परफॉर्मेंस देखा और सुना और देखा कि जूनियर प्लेयर और टीनेज प्लेयर जो हैं उनका किस तरह से रिस्पॉन्स था इस रैकेट को लेकर। हालांकि और लोगों के भी रिव्यूज़ थे सिमिलर थे, लेकिन सब नहीं डाल सकते एक वीडियो में। तो आप देख सकते हैं थर्ड लाइन क्लियर जो है या स्मैशेज जो है वो काफ़ी डिसेंट है। और वहीं जब मैंने इसे टेस्ट किया तो सेंटर ऑफ द कोर्ट में रैकेट क्योंकि काफ़ी लाइट है, 87 ग्राम्स का है, तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसकी बहुत अच्छी थी, मूवमेंट काफ़ी फास्ट थी। वहीं नेट के आसपास रैकेट की गेम डिसेंट थी, पर क्या है कि क्योंकि हाई रिपल्शन स्ट्रिंग 0.66 मिलीमीटर्स की स्ट्रिंग्स में डली तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा स्टार्टिंग में कि शटल जो है वो थोड़ा ज़्यादा बाउंस ले रही है। विद टाइम अगर थोड़ा आप खेलते रहें तो हैंडलिंग जो है थोड़ी बेटर हो जाती है, तो हो सकता है कि वो इम्प्रूव हो जाए। हालांकि एक चीज़ जो हम लोगों ने ऑब्जर्व की वो ये कि बैकहैंड क्लियर जो होता है बिल्कुल थर्ड लाइन क्लियर वाला, उसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगी। आप लोगों का अपने एक्सपीरियंसेस हो, लेकिन जो भी हो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो एज एन ओवरऑल पैकेज अगर हम देखें 87 ग्राम्स ओवरऑल वेट है अभी स्ट्रिंग्स के साथ और ग्रिप के साथ। ट्रूली हेड हैवी है, स्लिम शाफ्ट मिलती है, फ्लेक्सिबल ताकि ज़्यादा पावर जनरेट कर सकें। और जिस तरह से मैंने डिस्क्राइब किया, जिस तरह से आपने इसको देखा, इसकी परफॉर्मेंस देखी, तो ये सिंगल्स और डबल्स दोनों के लिए, दोनों प्लेयर्स के लिए सूटेबल है। ग्राफ की बात करें तो पावर है 8, परफॉर्मेंस 8.1, थर्ड लाइन क्लियर 8, कंट्रोल 8.2 और ड्यूरेबिलिटी 8.2। फाइनल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए मैंने जैसे बोला था कि G4 सुपरलाइट से काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक इसकी रिजेंबलेंस है, काफ़ी मिलता जुलता है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक उसके क्लोज है। तो वहाँ पे वही जो रैकेट है वो 1800-1900 रुपये के मिलते हैं आपको, वहीं ये रैकेट आपको 1400-1500 रुपये में जो है आपको अवेलेबल हो जाता है सिमिलर परफॉर्मेंस पे। और यहाँ पे आपको मिलती है 32 LBs की स्ट्रिंग टेंशन, और जहाँ तक मुझे याद है कि सुपरलाइट सीरीज G4 में मैक्सिमम शायद 30 के आसपास जो है स्ट्रिंग टेंशन है। अगर आप इसी कैटेगरी, इसी वेट का अगर आप रैकेट ढूंढ रहे हैं तो वो है योनिक्स नैनोरे 89। वो एक क्लासिक है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना जमा हुआ रैकेट है, लेकिन उसका क्या हेड है जो वो स्लाइड हेड है भी है, तो थर्ड लाइन क्लियर्स और स्मैशेज अगर जो करना चाहते हैं पीछे से उसमें जो है थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है। स्ट्रिंग्स और ग्रिप डालने का वो भी कुछ 85-86 ग्राम्स के आसपास होता है, जो ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी में। तो वो लोग जो ट्रूली हेड हैवी रैकेट चाहते हैं अच्छी पावर उसी रेंज में, उसी वेट कैटेगरी में, तो ये रैकेट जो है डेफिनेटली जो है वो थोड़ा बेटर रहेगा। और ध्यान रखिएगा हाई रिपल्शन स्ट्रिंग के साथ जो है 0.66, उसके साथ मुझे लगा कि रैकेट की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी डिसेंट है। तो दोस्तों आज के गिव अवे का क्वेश्चन ये है कि आखिर वो क्या रीज़न है कि ये रैकेट आपको जीतना चाहिए, तो जिसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आंसर होगा वो होगा हमारा विनर। तो दोस्तों ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, और मैं जानता हूँ आप लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, जो भी हो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। एंड अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वॉच हेल्दी वीडियोस एंड हैव अ ग्रेट डे।